में जो संभावित लोग आए हैं चाइना से, जो भ्रमण के दौरान, घूमने के दौरान, एक विद्यार्थी वहाँ पढ़ता था, एक वहाँ पे नौकरी कर रहा था पिछले 4-5 महीने से, और एक घूमने के लिए लोग आए थे। तो 3 मरीज तो मेरे कांटेक्ट में आए थे, 2 मरीज का और पता चला कि वो लोग चाइना से लौट के आए हैं, जो डायरेक्टली सर्वेलेंस ऑफिस में जिनकी रिपोर्टिंग है उनको जाँच किया गया और उन पर वायरस निगेटिव पाया गया। दूसरे एक लिस्ट मिली थी स्टेट मतलब IDSP की ऑफिस से, और जो राज्य का सेंटर है वहाँ से भी लिस्ट आई थी, लगभग 28 लोगों का, 25 लोगों को देख लिया गया है, अभी वो लोग सर्वेलेंस में हैं और इस तरह का कोई भी लक्षण उन्हें नहीं पाया गया। सर, ये 25 और वो जो 5 हैं ये सारे जमशेदपुर के ही निवासी हैं? कुछ आदितपुर के भी हैं, मतलब वो एड्रेस आया नजदीक में हमारे ऑफिस का, मतलब कोल्हान क्षेत्र से, कोल्हान क्षेत्र से नहीं, कोल्हान क्षेत्र से और बढ़ेंगे जी। यहां के क्षेत्र के जो नजदीक में जमशेदपुर के इर्द गिर्द। सबसे बड़ी बात है इसमें जो वायरस के बारे में है, वायरस में ये हमेशा कहा जाता है कि हाथ धो के खाएं, डायरेक्टली पेशेंट के सामने नहीं आए, या फिर किसी तरह का वायरल है ना, ये वायरस वायरल है और इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। तो खासकर सर शहर में अभी लोगों को इससे डरने की